नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के अंदर किस तरह से स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, कैटेगरी, लोकेशंस क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ असाइनमेंट्स बना रखे हैं जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ स्टॉक आइटम्स, उनके ग्रुप्स, कैटेगरी, लोकेशंस, यूनिट्स, प्राइस और क्वांटिटी ली हुई है। अब ये चीज़ें होती क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं जैसे माउस, कीबोर्ड या एमएस ऑफिस का कोई एप्लीकेशन। ये होती क्या है यानी इनका ग्रुप क्या है, तो इनका ग्रुप है हार्डवेयर और इनका ग्रुप है सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी कैटेगरी क्या है यानी इन आइटम्स की कैटेगरी क्या, तो इनकी कैटेगरी है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या कोई एप्लीकेशन। लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ये जो आइटम है वो किस जगह पर आप इसे स्टोर करेंगे, वही हमारी लोकेशंस होती हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स की तो ये जो हमारे आइटम्स हैं वो किस चीज़ में मिलते हैं हमें, यानी पीसेस में मिलते हैं, केजी में मिलते हैं, एमएल में मिलते हैं, लीटर में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी उनके यूनिट्स होंगी हमने यूनिट्स को डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद हम बात करें प्राइस की कि इनका प्राइस क्या है और इनकी क्वांटिटी क्या है यानी कितना आपने परचेज किया है। तो यही होती है हमारे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, कैटेगरीज वगैरह। अब इन्हीं चीज़ों को मैं टैली में आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें आपकी टैली में कहाँ पर होती हैं और आप किस तरह से इसे क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन ओपन है वो है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से आपको जाना होगा क्रिएट वाले ऑप्शंस पे। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंटरी मास्टर्स का ऑप्शन है और इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर ये जितनी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम्स, यूनिट्स और लोकेशंस, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आज आपको इन ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ें आप क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन क्या होती है, तो लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया असाइनमेंट्स के अंदर, यहाँ पर आपका ये आइटम स्टोर किया जा रहा है वही आपकी लोकेशंस कहलाई जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट्स की, यूनिट्स आपकी वही यूनिट्स है जो मैंने रिसेंटली आपको अभी समझाया था यानी पीसीस, केजी, एमएल। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके स्टॉक आइटम्स की, तो यहाँ पर आपके जो आइटम्स हैं वो माउस, कीबोर्ड, एमएस ऑफिस और एचपी का प्रिंटर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके स्टॉक कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या कोई एप्लीकेशन। और अगर हम बात करें आपके स्टॉक ग्रुप की कि आपका स्टॉक ग्रुप क्या है, तो यहाँ पर आपका स्टॉक ग्रुप है हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। इन्हीं चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है अपनी टैली स्क्रीन पर और यहाँ से सबसे पहले आपको जाना है यहाँ लोकेशंस पे। हम लोग यहाँ नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना। अब सबसे पहले हम लोकेशन क्रिएट करके देख लेते हैं। लोकेशन के ऊपर आप एंटर प्रेस करिए या डबल क्लिक करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू, यानी आपके पास कोई गोडाउन नहीं है और आप एक नया गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका अल्टर एग्जिटिंग, यानी आपके पास पहले से ही कोई गोडाउन बना हुआ है या आपका मेन लोकेशन है, आप उसके अंदर कुछ एडिटिंग या चेंजेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन का एक गोडाउन बना हुआ होता है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज करके उसका नाम बदल सकते हैं। हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम एक नया गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो हम वापस लोकेशन पर चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो हमारे गोडाउन थे वो गोडाउन देख लेते हैं कि क्या क्या गोडाउन थे हमारे। तो हमारा एक गोडाउन था संत और एक था हमारा बुराड़ी। हम दो गोडाउन क्रिएट करेंगे, तो यहां पर गोडाउन हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं संतनगर। संतनगर क्रिएट करने के बाद आप एंटर प्रेस करके इसको प्राइमरी में डालेंगे। अब प्राइमरी का यहाँ पर क्या मतलब है, प्राइमरी का मतलब है कि ये जो संतनगर का गोडाउन है वो किसी के अंडर नहीं आता, ये एक सिंगल प्राइमरी है तो इसलिए हम इसको प्राइमरी में डाल देंगे। अगर आप इसे मेन लोकेशन में डालते हैं तो मेन लोकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी शॉप है आप वहीं पर ही गोडाउन अपना मेंटेन करते हैं, तो हम इसको इसमें ही डाल करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप वापस चले जाइए पीछे। यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट गोडाउन था वो था हमारा बुराड़ी, तो यहाँ पर हम बुराड़ी लिख लेंगे। बुराड़ी लेने के बाद आप इसको भी एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए। तो हमारे दो गोडाउन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, गोडाउन्स यानी लोकेशंस हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब चले जाते हैं हम लोग पीछे स्कैप दबा करके। अब यहाँ पर हम बनाएंगे यूनिट्स, तो यूनिट्स बनाने के लिए आप डबल क्लिक करिए। तो यूनिट्स हमारी क्या थी, तो यूनिट्स थी हमारी पीसीस, यानी हमारा जितना भी आइटम है वो सारा पीसीस के अंदर हमें मिल रहा है। तो कोई भी आइटम हमारा केजी या एमएल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर हम अपना एक ही यूनिट्स बनाएंगे। तो वापस चले जाते हैं अपने आइटम्स के ऊपर। यहाँ पर आप रखें, यहाँ पर आप सिंबल के अंदर अपना सिंबल टाइप करिए, लाइक हम टाइप कर देते हैं पीसीस, पी सी एस।
इसके बाद डॉट देने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए, इसका फॉर्मूला पूरा नेम दे दीजिए, जैसे हम दे देते हैं पी आई सी ई एस पी सीस। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो पीसीस है, यहाँ पर पी दबा दीजिए और यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें शो हो जाएंगी, यानी आपका ये जो पीसीस है वो पैक्स के अंदर आपको मिलता है, पेयर्स के अंदर मिलता है या पीसीस में मिलता है। तो हमें जो आइटम मिल रहा है वो पीसीस के अंदर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर पीसीस को लेंगे। आपको जो भी लेना है इनमें से वो ले सकते हैं। मैं पीसीस को लेकर के इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, यहाँ पर इसको सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। तो हमारी यहाँ पर यूनिट्स भी तैयार हो चुकी हैं। यूनिट्स के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, ये सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे। हम अभी क्रिएट कर लेते हैं अपनी कैटेगरीज को। तो कैटेगरी हमारी क्या क्या है, कैटेगरी हमारी इनपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन है और आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए इनको क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए वापस चले जाते हैं टेलीस्क्रीन पर और यहाँ पर कैटेगरी पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना टाइप कर लेते हैं लाइक इनपुट डिवाइस। इसको भी आप एंटर करके प्राइमरी में डाल करके सेव कर दीजिए। दूसरा आउटपुट डिवाइस, इसको भी आप प्राइमरी में डाल करके सेव कर दीजिए। और इसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो था हमारा एप्लीकेशन। तो हम ये एप्लीकेशन बना लेते हैं और इसके बाद इसको भी हम प्राइमरी में डाल करके सेव कर देते हैं। तो यहां पर हमारी कैटेगरीज भी क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास इनके स्टॉक आइटम्स आ जाते हैं और इनके ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप के लिए वापस हम लोग पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद ग्रुप पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पर ले लीजिए ग्रुप। तो ग्रुप हमारे पास क्या क्या था, तो ग्रुप था हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो चलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लोग टाइप कर लेते हैं। और हार्डवेयर लेने के बाद आप इसको भी प्राइमरी में डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको आप देखेंगे एक ऑप्शन आपका शो हो रहा है, शो क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यानी आप यहीं पर ही अपने क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को हम यस करा देते हैं और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो अभी जीएसटी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, जब मैं जीएसटी आपको बताऊंगा तो इस जगह पर आपको इसे भी यस कराना होगा। अभी आपको इसको यस नहीं कराना, इसको नो रहने दीजिए, इसको आप फिलहाल सेव कर दीजिए। इसके बाद एक बना लीजिए सॉफ्टवेयर का और इसको भी आप प्राइमरी में डाल करके सेव कर दीजिए और इसे भी यस करा दीजिए सेम इसी तरीके से। अब बचा हमारा स्टॉक आइटम। अब हम स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ से आप चले जाइए पीछे, पीछे जाने के बाद यहाँ से आपको लेना होगा अपना स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पर आपको अपना स्टॉक का आइटम नेम देना होगा, यहाँ पर आप उसे अंडर ऑफ डालेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी कैटेगरी शो नहीं हो रही जबकि आपकी यूनिट शो हो रही है। तो हम यहाँ पर कैटेगरी को किस तरह से लाएंगे, कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन शो हो जाएगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स का। तो इस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे, यस करा देंगे। यस कराने के बाद इसको या तो कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए या एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। तो हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं, हम एक एक करके अपने आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे आपकी कैटेगरी यहां पर शो हो गई है। तो हम लोग आइटम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आइटम देखेंगे, सबसे पहला हमारा माउस है, तो माउस को क्रिएट करते हैं। यहां पर माउस ले लेते हैं। माउस लेने के बाद अब एंटर प्रेस करिए। अब ये माउस आपका है क्या, कोई हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो हम इसे लेंगे हार्डवेयर के अंदर। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कि हमारी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये हमारा कोई एप्लीकेशन है, कोई इनपुट डिवाइस है या कोई आउटपुट डिवाइस है। तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस लेंगे। इनपुट डिवाइस लेने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस यूनिट्स के अंदर मिलता है। अगर आपने और भी यूनिट्स बना रखी होती तो यहाँ पर वो यूनिट्स आपकी शो होती। तो फिलहाल हम पीसीस को लेंगे कि हमारी ये जो आइटम है वो पीसीस में हमें रिसीव होता है, तो हम यहाँ पर पीसीस ले लेंगे। पीसीस लेने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये जीएसटी के ऑप्शंस हैं। मैं जीएसटी मैंने आपको बताया, जब मैं जीएसटी के ऑप्शंस आपको कराऊंगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा कि इनका क्या क्या यूज है। तो उसको फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, यानी अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आपके पास कुछ आइटम्स पहले से ही पड़े हुए हैं तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वांटिटी थी हम वो क्वांटिटी डाल लेते हैं। क्वांटिटी हमारे पास 10 पीस थी, तो यहाँ पर हम 10 पीस दे देते हैं। और यहाँ पर अब आप देखेंगे लोकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी लोकेशन आपका शो हो जाएगा। इस लोकेशन में आप मेन लोकेशन लेना चाहते हैं, संदगा लेना चाहते हैं या बुराड़ी लेना चाहते हैं, तो इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं जिस भी लोकेशन पे आपका ये स्टॉक आइटम स्टॉक हो रहा है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर अपना संतनगर। संतनगर लेने के बाद इसे एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर आप रेट दे दीजिए, यानी ये माउस का जो प्राइस था वो कितना था, तो माउस का जो प्राइस था वो था 150। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली 10 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1500 रुपये शो हो गया, यानी उसने बताया कि अगर आपका एक पीस
₹150 का है, तो 10 पीस आपके टोटल ₹1500 के हो गए। तो इसको आप एंटर करके सेव कर दीजिए, यानी इतना स्टॉक आपके स्टॉक आइटम में पहले से ही रखा हुआ है, तो इसको सेव कर दीजिए। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाने के बाद सेम इसी तरीके से आप इसको भी अंडर ऑफ डाल दीजिए। तो आपका कीबोर्ड क्या था, तो कीबोर्ड भी हमारा एक तरीके से हार्डवेयर ही है, तो हम इसे हार्डवेयर के अंदर रखेंगे। ये आपका इनपुट डिवाइस है, तो हम इसको भी इनपुट डिवाइस के अंदर रखेंगे। पीसेस यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर भी हम इसका पीसेस रखेंगे, और यहाँ पर एंटर एंटर करके इसकी क्वांटिटी अगर हम देना चाहें तो दे दीजिए, लाइक 10 पीस। अब 10 पीस में आपका ये जो आइटम है वो किस जगह पे स्टॉक हो रहा है, तो ये स्टॉक हो रहा है हमारे संत नगर के अंदर ही। इसका जो प्राइस था वो था ₹250, अमाउंट ₹2500 हो गया इसका टोटल, और इसको हम सेव कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम और आइटम्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस लेने के बाद आप इसको भी आप डालेंगे, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सॉफ्टवेयर। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी इसकी कैटेगरी हमारी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब ये जो एमएस ऑफिस है आपको पेसिस में मिलता है या किस में मिलता है, तो यहाँ पर नंबर्स में मिलता है, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ही एक नई यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना सिंबल दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं लाइक NOS नोस, और उसके बाद हम इसको दे देते हैं नंबर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर इसे नंबर्स में डाल दीजिए, और उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। इसकी क्वांटिटी आपको डाल देनी है, तो क्वांटिटी हमारे पास 1 थी। 1 के बाद लोकेशन क्या था हमारा, तो लोकेशन था हमारा बुराड़ी। रेट क्या था इसका, तो रेट हम देख लेते हैं। रेट था हमारा 45,000, तो हम 45,000 यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और इसके बाद ये इस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेगा। इसको आप सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो है HP M1005, तो हम इस यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए वापस जाते हैं टैली के ऊपर, तो हमारा जो आइटम था वो था HP M1005, हाँ यही था हमारा। इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव करेंगे। इसको भी हम ले लेते हैं हार्डवेयर के अंदर, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग इसको पीसीस के अंदर, और उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। क्वांटिटी हम लोग 1 ले लेते हैं, और लोकेशन थी हमारी बुराड़ी। और इसके बाद इसका जो प्राइस था वो प्राइस देख लेते हैं, तो प्राइस था 18,500, तो यहाँ पर 18,500 डाल दीजिए। इसके बाद एंटर करके आप इसको भी सेव कर दीजिए। तो आज हमने सीखा कि आप अपनी कंपनी के अंदर किस तरह से स्टॉक आइटम्स मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या इन्हीं आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं वो भी आज आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको स्कैप करके पीछे जाना होगा। पीछे जाने के बाद आपको जाना होगा यहां से अल्टर वाले ऑप्शन पे। इस अल्टर के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर आपको यहाँ पर भी शो करेगा। आपको इसके अंदर इन में से जिसको भी चेंज करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से स्टॉक आइटम को। स्टॉक आइटम लेने के बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर कैटेगरी भूल गए थे डालना, तो हम यहाँ पर कैटेगरी डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो हमारा HP का प्रिंटर था वो क्या था, तो वो बेसिकली हमारा एक तरीके से आउटपुट डिवाइस था, तो यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस ले लेते हैं, और इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। तो ये जो हमने चेंजेस किया है ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अगर आप किसी आइटम को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें से कीबोर्ड को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ डी। ऑल्ट के साथ जैसे आप डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का। आप इसको यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 आइटम बचे हैं, यानी एक आइटम आपका डिलीट हो गया। तो इसी तरह से आप अपने आइटम्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।